हल्द्वानी में जिला प्रशासन और ड्रग विभाग ने बनभूलपुरा क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। बता दें कि इस छापेमारी के दौरान मेडिकल स्टोर में प्रतिबंधित दवाओं को चेक किया गया, जिसमें दो मेडिकल स्टोर में मानकों के विपरीत प्रतिबंधित दवाइयां का स्टॉक पाया गया और इसी स्टॉक के चलते प्रतिबंधित कार्रवाई की गई। इसके अलावा बनभूलपुरा लाइन नंबर 17 ताज मस्जिद के पास एक घर में प्रशासन की टीम को प्रतिबंधित पॉलीथिन का जखीरा मिला है। इसके तहत ही करीब 10 क्विंटल से अधिक की पॉलीथीन भी बरामद की गई है। वह इस मामले में सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा बनभूलपुरा में छापेमारी की जा रही थी, इसी दौरान पता चला कि यहां बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथीन बरामद हुई है, जिसको लेकर एक संदिग्ध के घर में चेकिंग भी की गई तो वहां गोदाम बनाकर प्लास्टिक का जखीरा मिला है, जिसे प्रशासन ने जब्त किया है। देखिए, ये जिलाधिकारी महोदय के आदेश थे, उसके क्रम में आज हमने औषधि नियंत्रक विभाग और जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है उसके साथ यहाँ पर जो मेडिकल स्टोर हैं और क्लिनिक जो अवैध रूप से चल रहे हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई की है, उनकी जांच की है। कुछ अनियमितियाँ हमें मिली हैं, उसमें PCPNDT एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। साथ ही कुछ लोग मौके पर नहीं पाए गए तो उनके 3 क्लिनिक हमने सील किए हैं। इसके अलावा मेडिकल स्टोर में भी 2 मेडिकल स्टोरों के विरुद्ध मानकों का उल्लंघन करने के लिए और प्रतिबंधित जो दवाइयां हैं निर्धारित मात्रा से अधिक रखने के क्रम में कार्रवाई की गई है।